हम सभी लोग जो है 21% जो है ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं तो 21% जो है ऑक्सीजन को जो है अंदर एब्जॉर्व करते हैं, और उसके बाद जो है 78% जो है नाइट्रोजन को जो है एब्जॉर्व करते हैं। सो अभी देखा जाए जो है कोरोना वायरस की वजह से जो है ऑक्सीजन का बहुत ही ज़्यादा जो है खपत हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा जो है सप्लाई किया जा रहा है। ऐसे में जो है ऑक्सीजन का जो है बहुत ही मात्रा धीरे धीरे डाउन होता चला जा रहा है। बट हम यह लोग जानते हैं कि जो है हमारे आजू बाजू में जो है हर जगह पे जो है ऑक्सीजन है। इवन मैं आपको बता दूं, गांव में बहुत ज़्यादा जो है ऑक्सीजन पाया जाता है कंपेयर टू जो है सिटी। सिटी में उतना ऑक्सीजन नहीं मिलता है, वहाँ पे जो है प्रोड्यूसर ज़्यादा रहते हैं, बट गांव में जो है ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे जो है ज़्यादा रहते हैं। तो इससे यह पता चलता है कि जो है हमारे आजू बाजू जो है ऑक्सीजन है तो थोड़ा है, बट है तो ऑक्सीजन तो है, तो क्यों ना उस ऑक्सीजन को जो है उस व्यक्ति तक पहुँचाया जाए जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। जी हाँ, इन सबको देखते हुए जो है जो हमारे आजू बाजू ऑक्सीजन है इन सबको देखते हुए जो है टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो है एक ऐसा यंत्र लॉन्च किया गया है, एक ऐसा मशीन लॉन्च किया गया है इसकी हेल्प से जो है आप उस व्यक्ति तक जो है ऑक्सीजन इजी तरीके से पहुंचा सकते हैं। सो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा मशीन है जिसकी हेल्प से जो है आप उस व्यक्ति की जो है ऑक्सीजन दे सकते हैं जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है। सिंपली आपको इस मशीन को जो है परचेस करना पड़ेगा। बात करते हैं यह मशीन जो है कैसे काम करते हैं। सो यह मशीन करते क्या है कि जो है जिस जगह पे जो है आप इसे इंस्टॉल करते हैं वो वहाँ के ऑक्सीजन को जो है अपने अंदर जो है एब्जॉर्ब करती है और उसे जो है कंप्रेस करती है। कंप्रेस करने के बाद जो है उसे फिल्टर करती है। जब उसे पूरा तरह से जो है यह मशीन जो है फिल्टर कर लेती है ऑक्सीजन को, फिर उसके बाद क्या करती है कि जो है फिल्टर हुए ऑक्सीजन से जो है वहाँ पर निकलता है ड्राई ऑक्सीजन निकलता है। फिर तीसरे चरण में जो है उस ड्राई ऑक्सीजन से जो है ये 100% जो है ऑक्सीजन में जो है कन्वर्ट कर देती है। ये तीन चरण में जो है ऐसे कुछ इस तरह जो है यह मशीन काम करती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं कि जो है यह मशीन जो है यदि आप इसे परचेस कर लेंगे तो एक साल बाद जो है इसका जो है एक्सपायरी डेट आ जाएगा। जी हाँ, या एक साल बाद जो है ये पूरी तरह से खराब हो जाता है, आपको दूसरा परचेस करना पड़ेगा। सो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन को जो है आप परचेस कीजिए। यदि आपके घर में ऑक्सीजन की किसी को कमी पड़ रहा है आप इसे परचेस कर सकते हैं। 100% तक जो है आप उसे ऑक्सीजन जो है कंज्यूम करवा सकते हैं। सो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें और आप इसे मेक श्योर जरूर परचेज कर लीजिए यदि आपको ज़रूरत हो। सो मैं सोचा इस टॉपिक ऊपर वीडियो बनाया जाए, आपकी हेल्प किया जाए। एटलीस्ट आपको इतना तो मालूम हो कि जो है कौन सा मशीन है जो कि ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहा है, जो कि हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। सो आपको इन्फॉर्म किया जाए। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं आपको टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग एंड फोन के अकॉर्डिंग अप टू डेट करते रहते हो। अभी कोरोना वायरस चला तो सोचा मैं इसके बारे में कितना ज़्यादा इन्फॉर्म आपको कर दूँ ताकि आप भी जो है सचेत रहिए और आपको भी नॉलेज हो। सो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।